जमानत लेकर सेट पर पहुंचा पुष्पा टू का ये स्टार, लगे हैं संगीन आरोप। नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं बॉलीवुड की कुछ खास खबरों के साथ। तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की अपकमिंग मूवी पुष्पा 2 को लेकर दर्शकों के बीच भारी क्रेज है। सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की ये मूवी जल्द ही सिल्वर स्क्रीन पर धमाल मचाने वाली है, लेकिन बीते कुछ वक्त पहले इस मूवी की शूटिंग अटक गई थी। इस वजह से मूवी में अल्लू अर्जुन के दाहिने हाथ का किरदार निभाने वाले एक्टर जगदीश प्रताप भंडारी का पुलिस की गिरफ्त में आना था। जगदीश प्रताप भंडारी पर कुछ वक्त पहले एक महिला जूनियर असिस्टेंट को ब्लैकमेल कर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा था, जिसके बाद जगदीश प्रताप भंडारी पुलिस की गिरफ्त में थे और उन्हें जेल भेज दिया गया था। अब एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में ये बात सामने आ रही है कि जगदीश प्रताप भंडारी को कोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया है। महिला जूनियर असिस्टेंट की आत्महत्या मामले में जगदीश प्रताप भंडारी को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, जिसके बाद वो अल्लू अर्जुन स्टार निर्देशक सुकुमार की अपकमिंग मूवी पुष्पा 2 में सेट पर लौट आए हैं। इसके बाद इस मूवी की शूटिंग शुरू हो गई है। बता दें कि जगदीश प्रताप भंडारी को पुलिस ने 6 दिसंबर 2023 को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से ही वो जेल में थे। जगदीश प्रताप भंडारी पर एक जूनियर महिला असिस्टेंट के निजी वीडियोस दिखाकर उन्हें ब्लैकमेल करने का आरोप था, जिसके चलते एक्ट्रेस ने 23 नवंबर 2023 को आत्महत्या कर ली थी। जगदीश प्रताप भंडारी पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप था, जिसके बाद वो पुलिस के हाथे चढ़ गए थे। बता दें कि सुपरस्टार अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहाद फासिल स्टारर निर्देशक सुकुमार की अपकमिंग मूवी पुष्पा 2 इसी साल 15 अगस्त 2024 के दिन सिल्वर स्क्रीन पर पहुंचने वाली है। इस मूवी को करीब 200 करोड़ रुपए के भारी बजट से बनाया जा रहा है, जिस पर हर किसी की नज़र है। देखना दिलचस्प होगा कि ये मूवी दर्शकों की इन उम्मीदों पर खरा उतरेगी या नहीं। आप बताइए मुझे कि आपको क्या लगता है पुष्पा 2 के पोस्टर को देख के और ट्रेजर को देख के, जो भी लगता है कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। और भी ऐसे अपडेट के लिए बने रहिए बॉलीवुड समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।